हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी यूपीएसआई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके एडमिट कार्ड को लेकर। ये बहुत बड़ी बिग अपडेट है आपके लिए। एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं और ये सूचना जो है संभवतः सभी स्टूडेंट्स को मिल भी चुकी होगी। जिन्हें नहीं मिली है उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आपके थाना क्षेत्र पर पहुँचने के लिए सूचनाएँ भेजी जा चुकी हैं। अभी एक हाल ही में देखिए सूचना आई है प्रयागराज से, और इसको भेजा है वहाँ के अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल परिक्षेत्रीय नोडल अधिकारी प्रयागराज। उन्होंने अपने प्रयागराज जनपद के समस्त थाना प्रभारी, जो भी थाना प्रभारी हैं उनके लिए, जो भी क्षेत्राधिकारी हैं यानी कि सीओ, उनके लिए ये सूचना भेजी है कि अपने जो है जनपद प्रयागराज में मेडिकल होना है यूपीएसआई 2021 वाले अभ्यर्थियों का। और ये मेडिकल जो है 17 अक्टूबर से होना है, ठीक है, 17 अक्टूबर से होना है। और उनके एडमिट कार्ड जो हैं तैयार हो चुके हैं और अपने अपने थानों से किसी भी एक व्यक्ति के लिए, सक्षम व्यक्ति के लिए, चाहे वो सिपाही स्तर के हों या हों कोई एसआई, जिन्हें आप पुलिस लाइन में भेज दीजिए और यहां से एडमिट कार्ड ले जाएं और अपने क्षेत्र में तामीला करा लें। तामीला कराने का मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो भी अभ्यर्थी आपके यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं उनके एडमिट कार्ड उनके घरों तक पहुँचा दें, ठीक है। तो ये एक जनपद की सूचना है और संभवतः ऐसी सूचना कई जनपद की आ चुकी हैं, ठीक है। तो लगभग एडमिट कार्ड आपके पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं और उम्मीद है कुछ अभ्यर्थियों को मिल भी चुके होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को मिल भी चुके हैं, इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। अब दूसरी चीज़ यह है कि जो आदेश आया था वो प्रयागराज का आदेश है और ऐसा ही आदेश जो है अन्य परिक्षेत्रों में भी आया होगा, ठीक है। सबसे मुख्य बात यह है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड कहाँ से लेंगे, उन्हें कहाँ एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके स्टेट से लगे हुए, हमने पिछली वीडियो बनाई भी थी जिसमें आपको बताया था कि जो है अन्य स्टेट के जो छात्र हैं उनका एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा, उनका मेडिकल कहाँ होगा, जैसे झांसी का, मध्य प्रदेश वालों का झांसी में इस तरह से, और इधर राजस्थान वालों का आगरा में इस तरह से। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपको डिटेल में बताया था कि आपका मेडिकल कहाँ होना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई सारे स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर हमारा एडमिट कार्ड कहाँ मिलेगा। तो आपके जो लगा हुआ जनपद होगा, ठीक है, आपके स्टेट से जो लगा हुआ जनपद होगा जहाँ आपका मेडिकल होना है, पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो वहीं उसी थाना क्षेत्र में आपका एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो लिस्ट पहुँची होगी एडमिट कार्ड किसे किसे बांटने हैं, उस लिस्ट में आपका मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पास हो सकता है थाने में पहुँचने के बाद वहाँ के जो भी बीट आरक्षी होते हैं या बीट एसआई होते हैं उनके लिए जो हल्का होता है, एसआई जो होते हैं हल्के के, उनके पास लिस्ट होगी तो वो आपको फ़ोन भी कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आया है, आप थाने से आके ले जाइए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया भी हो सकती है, या आपको थाने पे बुला लेंगे या खुद आपके घर जाके आपको तामीला करवा देंगे, आपके घर तक जो है एडमिट कार्ड आपका पहुंचा देंगे। फिर भी अगर किसी का एडमिट कार्ड नहीं पहुंचता है तो वो लोग अपने थानों से संपर्क कर लें, नज़दीकी थानों से, ठीक है। अदर स्टेट वाले भी नज़दीकी थानों से, जो उत्तर प्रदेश के नज़दीकी ज़िले हैं उनमें नज़दीकी जो थाना है जहाँ आपका मेडिकल होना है, पीछे वीडियो देख लीजिए कौन से स्टेट का मेडिकल कहाँ होना है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको अपना एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा एडमिट कार्ड, देखो आज कई जो है थानों पे, कई ज़िलों में एडमिट कार्ड पहुँच चुके हैं, वहाँ से बटने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ये प्रयागराज की सूचना है। प्रयागराज वालों को आज जो है उनके थानों पर एडमिट कार्ड पहुँच जाएंगे, कल हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है, कल तक आपको मिल जाएगा। कल तक आपको नहीं मिलता है तो परसों आप अपने नज़दीकी थाने से संपर्क कर लीजिए, आपका एडमिट कार्ड वहाँ मिल जाएगा। एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़, एडमिट कार्ड मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना है, शांति से घर पर रहना है, आपका मेडिकल हो जाए, बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग नहीं करनी है, कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखना है जब तक आपका मेडिकल सही तरीके से नहीं हो जाता है, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट करवा लीजिए, ठीक है, एफिडेविट तैयार करवा लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटो कॉपी अवश्य करवा लीजिए, फोटो वगैरह आईडी जो भी है अपना कंप्लीट करके रखिए। बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना नहीं है, ऊट पटांग कोई कार्य नहीं करना है, आपका मेडिकल हो जाए उसके बाद जितना चाहे उतना उछलिए कूदिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना है। ये सूचना सभी अभ्यर्थियों के लिए थी, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट हो या अपने स्टेट के हो, वो सभी लोग जान लो कि एडमिट कार्ड आपके पहुंचने स्टार्ट हो गए भैया, और बहुत ज़्यादा आपके लिए सावधानीपूर्वक अपना मेडिकल कराना है। अब जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर हमारा मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएंगी, कहीं ऐसा तो नहीं मैं फेल हो जाऊँ, हमारी आईसाइड इतनी वीक है, हमारे पैर में फ्रैक्चर है या हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इन सारे सवालों के जवाब आपको मेडिकल वाली वीडियो में मिल जाएंगे। हमने जो मेडिकल के लिए अलग से वीडियो बनाई है वो 17-18 मिनट की है, बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया कौन सी चीज़ आपके किस तरह से चेक होती है,
आँखों में कितनी आई साइड आपकी वीक है, ठीक है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कितना आपका लेंस का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, आपके हाथ पैर और तलवे फ्लैट ब्लैट ये सब कैसा होना चाहिए, लंबाई मोटाई क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखिएगा बगैर स्किप किए हुए, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 17-18 मिनट की वीडियो में आपका मेडिकल पूरा हो जाएगा और सेम प्रोसेस आपकी वहाँ होगी जहाँ आपका मेडिकल होना है, ठीक है। अब भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरा पूरा प्रयास करेंगे, और अन्य कोई सूचना आती है तो वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँचाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।